नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल द विलेज में। दोस्तों, इस कोहरे की मार से जहां रेलवे स्टेशन पर धुंध लगा हुआ है और ट्रेनें जो है हमेशा लेट चलती है, ट्रेन ही नहीं बल्कि हवाई जहाज या फिर बस जो है ये सारी चीज़ें लेट चलती है, और इसी में जो आम लोग हैं उनका भी जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। और रोड पर जिस तरीके से लोग जो है गाड़ियां चलाते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, आगे आप देखिएगा वीडियो में किस तरह से गाड़ी जो है वो चला रहे हैं और हमेशा जो है दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं, फिर भी ये इन लोगों को जो है समझ में नहीं आता। देखिए किस तरह से रोड को क्रॉस कर रहे हैं बगैर अपनी जान की परवाह किए हुए, धुंध लगा हुआ है, ऐसे में इस तरह से गाड़ियां चलाना जान के लिए जोखिम तो है ही, बाकी दूसरों के लिए भी जो है ये जान का जोखिम बना हुआ रहता है। अभी आप आगे देखेंगे किस तरह से गाड़ी पर लुच्चे लफंगे जो है किस तरह से गाड़ी चला रहे हैं और लोगों को भी परेशानी में डाल रहे हैं। देखिए किस तरह से ये रोड को क्रॉस कर रहे हैं, उल्टे दिशा में ये गाड़ी जो है चला रहे हैं और सामने से एक बाइक आ रही है और जो ट्रक आ रहा है, ऐसे में अगर ज़रा सी भी मिस होती है तो जान का जोखिम जो है वो हमेशा बना रहता है। तो आगे हम बिरजू ठाकुर से जानेंगे कुछ और रिपोर्ट, तो बने रहिए वीडियो पर, आगे जानते हैं बिरजू ठाकुर से ये रिपोर्ट। इस तरह बिहार में लगातार ठंड का कहर जारी है, देख सकते हैं कितना अभी टाइम हो रहा है, 10 बज रहा है लगभग, देखिए कितना घने कोहरा है। कोहरे के कारण बहुत ही गाड़ी ऑटो काता रहता है हाईवे पे। आज फिर ठंड से अस्त व्यस्त है मधुबनी जिला का घुंघरिया गांव, घुंघरिया प्रखंड पड़ता है, ये नगर पंचायत पड़ता है, अस्त व्यस्त है ठंड के कारण। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से उत्तर बिहार में खास करके कोहरे का लोग शिकार हो रहे हैं और इस कोहरे में जो है गाड़ियां चलाने में सावधानी नहीं बरत रहे हैं, जिससे आए दिन जो वो घटना सुनने को आपको मिलती रहती है। कल परसों जो है प्रतापगंज में भी ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ और 3 लड़के जो है वहाँ पर स्पॉट मर्डर हो गया उसका। तो दोस्तों, ये थी बिरजू ठाकुर की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की अपडेट जो आपको मिलती रहे। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए द विलेज यूट्यूब चैनल।